क्या आरक्षण की वजह से फेल हो चुके परीक्षार्थी को रेलवे में नौकरी मिली? क्या भारतीय रेलवे में फेल कैंडिडेट को नौकरी देने का नियम है? यह सवाल पूछ रही है व्हाट्सएप पर घूम रही वेस्टर्न रेलवे की एक प्रेस रिलीज में, जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है बेस्ट अमंग फेल्ड कैंडिडेट्स, यानी जो फेल हुए हैं उनमें से जो सबसे अच्छा है उसे नौकरी के लिए चुना जाए। देश ये दावा और प्रेस रिलीज देखकर हैरान है, लेकिन सच क्या है यह हम आपको बताएंगे। आरक्षण का विरोध करने वालों की पहली पसंद बनकर सोशल मीडिया पर घूम रहा है ये पन्ना। इस सफेद रंग के कागज के टुकड़े से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण का विरोध क्यों जरूरी है। देखने में ये एक साधारण सी सरकारी प्रेस रिलीज की कॉपी है, लेकिन इस प्रेस रिलीज ने हड़कंप मचा दिया है। ऊपर से नीचे तक सरकारी भाषा में लिखे हुए इस कागज को असाधारण बनाते हैं बीचों बीच में काले और मोटे अक्षरों से लिखे हुए ये चार शब्द, जिसमें लिखा है बेस्ट अमंग फेल्ड कैंडिडेट्स, यानी जो फेल हुए हैं उनमें से सबसे योग्य कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। इस प्रेस रिलीज ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये वेस्टर्न रेलवे के ग्रुप बी की असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर की पोस्ट के बारे में है। 29 सितंबर को जारी हुई इस प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर की पोस्ट के लिए जिन परीक्षार्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाया। आगे लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने 20% अंक हासिल किए हैं उन्हें बेस्ट अमंग फेल्ड कैंडिडेट की स्कीम में शामिल किया जाएगा। इस प्रेस रिलीज को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं, ये क्या है भाई बेस्ट फेल्योर, क्या ऐसे बनेगी अपनी रेलवे वर्ल्ड क्लास। ऐसी प्रेस रिलीज चौंकाती है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में देश में 1,77,00,000 बेरोजगार थे। साल 2017 में देश में 1,78,00,000 बेरोजगार थे। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2018 में देश में 1,80,00,000 लोग बेरोजगार होंगे। ऐसे में जब बेस्ट अमंग फेल्ड कैंडिडेट की कहानी सामने आती है तो नौकरी के लिए धक्के खा रहे लोगों को चोट पहुंचती है। जिंदगी के लिए लोगों के संघर्ष से जुड़ने वाले इस दावे का सच सामने लाने के लिए हमने पड़ताल शुरू की, क्योंकि देश को यह बताना जरूरी था कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके पीछे की कहानी क्या है। वेस्टर्न रेलवे के नाम से वायरल हो रही इस प्रेस रिलीज का सच जानने के लिए हम सीधे राजधानी दिल्ली में रेल भवन पहुंचे। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने प्रेस रिलीज की कॉपी रेलवे अधिकारियों को दिखाकर उसका सच जानने की कोशिश की। रेलवे के अधिकारियों से जब हमने इस मामले में जानकारी मांगी तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा सिलेक्शन पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि रेलवे के नियम के मुताबिक ही SC ST के फेल कैंडिडेट का भी सिलेक्शन पहले होता रहा है। हमारी तहकीकात में सामने आया कि वेस्टर्न रेलवे ने ग्रुप बी की पोस्ट असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर की परीक्षा कराई, जिसमें 2 सीटें SC ST कैटेगरी की रिजर्व सीटें हैं। इन सीटों पर इस कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट परीक्षा पास नहीं कर पाया। इसके बावजूद रेलवे ने जो परीक्षार्थी फेल हुए उनमें से 2 जो सबसे बेहतर थे उन्हें बेस्ट अमंग फेल्ड कहते हुए लिखित परीक्षा में पास कर दिया। हालांकि अभी वाइवा और फिटनेस टेस्ट होना बाकी है, इसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। रेलवे के मुताबिक 8 मई 1989 से ऐसी स्थिति होने पर बेस्ट अमंग फेल्ड नाम की स्कीम चल रही है। रेलवे का कहना है कि असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर सेफ्टी से जुड़ा हुआ पद नहीं है, इसलिए पास कैंडिडेट न होने की स्थिति में SC ST कैटेगरी के अंतर्गत जो फेल कैंडिडेट में सबसे बेहतर कैंडिडेट होता है उसका चयन करने की परंपरा रही है। हमारी पड़ताल में रेलवे में फेल कैंडिडेट को नौकरी देने का दावा करने वाली प्रेस रिलीज सच साबित हुई है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।